हाय फ्रेंड्स, आज और एक न्यू रेसिपी के साथ आप देख सकते हैं चावल पकने वाले हैं दोस्तों। इसमें अपन 80% चावल को पकाना है फ्रेंड्स, ठीक है। और चावल के पानी में थोड़े मैंने मिंट लीव्स डाला हूँ और कुछ खड़े गरम मसाला डाला हूँ दोस्तों। और चावल अपना फाइनली पक चुका है, देख सकते हैं अपन, बहुत ही शानदार पक चुका है। जिसे 80% ही पकाना है। उसके बाद अपन को देख सकते हैं गोभी, गाजर, बीन्स और शिमला को मैरिनेट करना है दोस्तों। इसके लिए एक कटोरी इसमें अपन को दही डाला हूँ मैंने, और स्वाद अनुसार इसमें आप देख सकते हैं सॉल्ट ऐड किया हूँ। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा हल्दी डाला हूँ। और हल्दी में मतलब जो जो अपने पास मसाले हैं दोस्तों, उसको थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है, जैसे कि ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली और अपना हल्का सा खड़ा गरम मसाला तो नहीं डालना दोस्तों, उसमें अपन चावल में डाल दिए थे, क्या बोलते हैं अपना जो किचन किंग हुआ, ठीक है। और गरम मसाला हो तो आपके पास वो डाल देना है। इसको मसाले से थोड़ा सा हल्का हल्का मसाला डाल के इसमें ऐड कर लेना है, और 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट के लिए छोड़ देना है दोस्तों, ठीक है। चाहो तो आप नहीं करोगे तो भी ठीक है, मगर मैंने सोचा कुछ न्यू ट्राई किया जाए जिससे कि वीडियो और अच्छी बने। और उसके बाद खड़ा गर्म मसाला के साथ इसमें आप देख सकते हैं ऑयल में इसका तड़का मारना है, और थोड़ा सा चाहो तो शाही जीरा आपके पास हो तो शाही जीरा डालना है। और आप देख सकते हैं मतलब प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाला हूँ, यदि आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं फ्रेंड्स, 5-10 रुपये का कोई पेस्ट आता है, कोई ज़रूरी महंगा नहीं है, तो डालना हो तो ठीक है, नहीं तो आप कोई ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स, बाकी तो ठीक है। आप जंगल जंगल में कहीं भी पिकनिक पॉइंट पे जाते हो तो वहाँ सब चीज़ भूल जाते हैं कुछ ना कुछ अपन ले जाना, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं किचन अपना ये शाही बिरयानी मसाले है, और बाकी वही अपने इंडियन मसाले हैं, इसमें कुछ अलग मसाला नहीं है फ्रेंड्स। देख सकते हैं मसाला अच्छी तरीके से पक रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकाइएगा। आप देख सकते हैं पूरा मसाला अच्छी तरीके से पक गया है, तेल छोड़ दिया उसको, इसमें थोड़ा मैंने एक कटोरी दही और ऐड करा हूँ। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा एकदम पक चुका है। और इसमें मैंने जो मटर लेकर आया था बाज़ार से फ्रेश वाले मटर दोस्तों, वही मटर इसमें मैंने यूज़ किया हूँ। आपके पास यदि फ्रोजन वाले होता उसको भी यूज़ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो अपन ने मैरिनेट करके रखे हुए थे मसाला के साथ ये सब्जी वगैरह फ्रेंड्स, वो भी इसमें ऐड करना है। और इसको जब थोड़ा कम मतलब सब्जी को दोस्तों कम से कम अच्छा पका लेना है, मतलब अच्छा भी बोले तो 100 में से 50% इसको पका ही लेना है आपको, बाकी तो वो चावल के साथ दम मारेंगे जब पक जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देख सकते हैं अपने जो सब्जी अच्छी तरीके से पक गई है, और ये गंजी थोड़ी छोटी है दोस्तों, तो मैं दूसरे वाले बर्तन में इसमें दम लगाऊंगा। अब आपके पास धनिया और मिंट लीव्स वगैरह हो तो उसको अच्छी डाल दें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। और अपनी सब्जी देख सकते हैं अच्छी तरीके से फाइनली पक चुकी है, ठीक है। और अब इसको अपन दम लगाने के लिए फ्रेंड्स एक बड़े से गंजे में जो सब्जी बनाए इसकी लेयर बनाएंगे नीचे, आप देख सकते हैं ये लेयर बनाए मैंने, उसके ऊपर चावल डाला हूँ। और उसके बाद चावल डालने के बाद दोस्तों उसके ऊपर फिर एक सब्जी डाला हूँ, उसमें। और ये आप देख सकते हैं ऑनियन को मैंने थोड़ा ब्राउन करके रखा था फ्रेंड्स, आपको नहीं दिखा पाया वीडियो पर, तो सब्जी और अपना ये हरी धनिया बहुत सारा इसको बढ़िया से मैंने इसमें डाल दिया हूँ। और उसके बाद 2-3 लेयर ऐसी रखना है, आपके पास केसर हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास तो फूड कलर था, थोड़ा मैंने फूड कलर इसमें डाल दिया हूँ, धनिया डाल दिया हूँ, थोड़ा रोज़ वाटर डाल दिया हूँ, थोड़ा केवड़ा जल बोलते हैं ना, एक एक बूंद डाल दिया हूँ। और आपके पास यदि घी हो तो ठीक, नहीं तो मेरे पास तो बटर था थोड़ा सा, तो मैंने खुशबू के लिए थोड़ा बटर डाल दिया हूँ। और जैसे साइड में इसमें आटा लगा के बढ़िया सा दम लगा दिया हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी रेसिपी है दोस्तों, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और अच्छा सा प्यारा प्यारा कमेंट करना दोस्तों। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स बनाने में।